ओके ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम फर्स्ट विडियो में हूँ थोड़ा अटकी गयो छूँ त्यांथी हूँ कंटीन्यू करू छूँ. सो वॉट आई वॉज एक्सप्लेनिंग दैट 2020 केन नॉट बी कंसिडर एज अ बेस ईयर बिकॉज इट इज नॉट अ नॉर्मल ईयर. ओके फ्रेंड्स चलो नाउ गोइंग अहेड. तो बेस ईयर सिलेक्शंस करवाए तो देर आर टू मेथड. वन इज फिक्स बेस मेथड एंड सेकेंड वन इज चेन बेस मेथड. फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड देर इज अ वेरी लिटल डिफरेंस. फिक्स बेस मेथड के ज्या तमे कोई एक ईयर ने फिक्स करी दो एज बेस ईयर. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टेन्ड. इन दिस मेथड अ स्टेबल पीरियड और ईयर विथ यूजुअल इवेंट और सिचुएशन इज सिलेक्टेड एज अ नॉर्मल ईयर और बेस ईयर. ओके बट समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सिलेक्ट अ नॉर्मल और बेस ईयर. इन दिस केस एन एवरेज वैल्यू ऑफ सर्टेन ईयर इज टेकन एज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर द बेस ईयर. इंडेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द करंट ईयर विथ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर द बेस ईयर. द बेस ईयर शुड बी चेंज पीरियोडिकली सो दैट इट डज नॉट बिकम अ ईयर ऑफ द डिस्टेंट पास्ट. द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला. सो इन योर बुक यू विल राइट द फर्स्ट फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज दिस इंडेक्स बाय फिक्स बेस मेथड. इन शॉर्ट वी विल डिनोट फिक्स बेस एज एफ बी आई फिक्स बेस इंडेक्स. बराबर तो तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म्यूला शू थे आ तब बुक अंदर लखी नाखजो कि I इज इक्वल टू शॉर्ट में लखवानी है I इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो मल्टीप्लाइड बाय 100. पी वन मीन्स प्राइज ऑफ करंट ईयर एंड पी जीरो मीन्स प्राइज ऑफ बेज ईयर. नाउ इट इज वेरी सीम्पल टू अंडरस्टेंड. एक प्रेक्टिकल सम आपने तमने समझाऊ. दीस सम यू कैन एक्सपेक्ट फॉर 3 marks. आ 3 marks में तुम एक्सपेक्ट कर सको. द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ वीट इन अ रीजन आर एज फॉलो. टेकिंग द ईयर 2005 एज बेस ईयर प्रिपेयर इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ एन आइटम फॉर द रिमेनिंग ईयर. स्टेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वीट इन द ईयर 2013 फ्रॉम दिस इंडेक्स नंबर. तो तुमने कह दीद टेकिंग द ईयर 2005 एज बेस ईयर. 2005 એટલે જ્યાંથી આખી સિરીઝ સ્ટાર્ટ થઈ છે તો ફર્સ્ટ યરને જ બેઝ યર તરીકે તમે લઈને ઇન્ડેક્સ નંબર કેલ્ક્યુલેટ કરો. તો યુ કેન સી ધ ટેબલ. યુ હેવ ટુ પ્રિપેર ટોટલ 3 columns. એમાં 2 તો ઓલરેડી તમને આપી દીધી છે. એ તમારે એઝ ઇટ ઇઝ લખવાની. વિચ યર ઇટ ઇઝ ગીવન 5, 6, 7, 8 યર એઝ ઇટ ઇઝ અને પ્રાઇઝ એઝ ઇટ ઇઝ તમારે લખી નાખવાની. બરાબર હવે હું તમને સમજાવું હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ઇન્ડેક્સ નંબર. તો એઝ પર ધી ફોર્મ્યુલા ઓફ ફિક્સ બેઝ एज अ पर्टिक्युलर ईयर वी आर टेकिंग एज बेज ईयर विच ईयर 2005. तो 2005 नी प्राइस जे है एने आप पी जीरो लई लेशू. तो पी जीरो के 1650. ओके तो एवरी ईयर वी विल कम्पेर द प्राइस विथ द ईयर 2005 एट 60-50 दरेक में डिविजन्स अंदर तमारे करवा. फॉर एक्जाम्पल फर्स्ट ईयर तो 100 आई जैसे बिकॉज 1650 अपॉन 1650 इन 200 इज इक्वल टू 100. सैकंड ईयर शू थे प्राइस ऑफ करंट ईयर एट्ले 1690 और प्राइस ऑफ बेज ईयर 1650 इन 200. सो इंडेक्स इज 102.42. सेम वे फॉर द ईयर 2007 पी वन इज कंसिडर एज 1730. पी जीरो इज 1650 लाइक प्रीवियस टू ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यू विल गेट द इंडेक्स. लाइक वाइज एवरी ईयर तमें जो आ पी वन जैसी चेन्ज थत जाए पी जीरो जैसी बदा में एक सरखूज रहे शे. बराबर है. सो लाइक दीस वी केन प्रिपेर द इंडेक्स फॉर ऑल द ईयर. और छेल्ले तमने एवं पूछू है कि 2005 नी कम्पेर में 2013 में शू चेन्ज थू. तो एब्सोल्युटली तमे जुओ तो 1650 अने 1950 तो यू केन सी दैट देर इज अ डिफरन्स ऑफ 300 एब्सोल्युटली. बट रिलेटिवली तमे जुआ जाओ तो वॉट इज इंडेक्स नंबर ऑफ 2013. तो 2013 नो इंडेक्स केटलो छे 118.18. ओके अने 2005 नो इंडेक्स केटलो छे 100. तो 100 नी कम्पेर में 118.18 दैट इंडिकेट वॉट that indicate that there is 18.18% increase in the price of wheat. JB item tamne aapi che wheat ni price ma
18.18% ઇન્ક્રીઝ થયું એવું આપણે કન્ક્લુઝન્સ ડ્રો કરી શકીએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો આઈ હોપ કે ધીસ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ક્લિયર. ઓકે, સો આઈ હોપ કે ધીસ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ. નાવ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ ડિસ્કસ ધી સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ એન્ડ થર્ડ એક્ઝામ્પલ, દેટ ઇઝ ફિક્સ બેઝના તે બીજા બે એક્ઝામ્પલ્સ હું તમને સમજાવું છું. ઓકે, થેન્ક યુ.